तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको बताऊंगा पबजी मोबाइल में वेपन मास्टर का जो टैग आता है आपके नाम के आगे, उसको कैसे अचीव करना है। आप देखेंगे इसके लिए आपको 6 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहला, आपको S4 राइफल से बंदा उड़ाना है। दूसरा, SMG से उड़ाना है। तीसरा, स्नाइपर राइफल से उड़ाना है। चौथा, शॉटगन से उड़ाना है। पांचवा, थ्रोएबल चीज से उड़ाना है। और छठा, आपको व्हीकल से उड़ाना है। अब मैं आपको थोड़ा ब्रीफली समझा देता हूँ। S4 राइफल में हमारा आ गया AKM, M16, स्कारल, M416, ग्रोजा, AUG। SMG में हमारा आ गया UMP9, वेक्टर, UZ और टोमी। ये भी बहुत ऐसे ही मिल जाती है, ज्यादातर बोर्ड्स के पास ही होती है ये। थर्ड कैटेगरी हमारा जो स्नाइपर राइफल है, इसमें आपको मिल जाएगा SKS, VSS, मिनी 14, MK14 और SLR। आपको इनमें से अगर कोई भी गन मिल जाए, फोर्थ आपका स्टेप है शूट गन में, आपको S686, 1897, S12K कोई भी मिल जाए उठा लो। यार इतनी सारी गन्स के नाम तो मैंने ले लिए, आप इतनी गन्स थोड़ी ना उठानी है आपको। इनमें से जैसे कि मैंने स्नाइपर राइफल बोला है, तो स्नाइपर राइफल में आपको कोई भी इस कैटेगरी में कोई भी गन मिल जाए उठा लो। आपको पहले तो ये ध्यान में रखना है कि आपके साथ एक ऐसा पार्टनर हो, आपका ऐसा दोस्त आपके साथ उतरे जिसको अपनी रैंकिंग का कोई डर ना हो, और जो आपके साथ सिर्फ आपका ये जो मिशन है ना वेपन मास्टर को अचीव करने वाला, इसको पार कराने के लिए आया हो। चाहे वो मर जाए बीच में, रोए ना कि भाई यार तेरे खातिर मैं मर गया। आपको ऐसा दोस्त अपने साथ रखना है। आप सिर्फ 2 गन्स कैरी कर सकते हैं और आपका दोस्त भी 2 गन कैरी कर सकता है। तो जैसे 2 गन्स या तो SMG, S4 राइफल, ये 2 आप अपने दोस्तों को दे दीजिए, और 2 गन्स स्नाइपर राइफल और शॉट गन अपने पास रख लीजिए। ठीक है, थ्रोएबल तो हम रख ही सकते हैं और व्हीकल में हम घूम रहे होते हैं। तो अब मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। बेसिकली पहले आप ट्राई करें कि व्हीकल में आप किसी बोट को या तो रियल पर्सन अगर आपके सामने आ गया तो उसको उड़ा दे। बिकॉज अगर लास्ट में आप व्हीकल से किसी को उड़ाने जाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट, बहुत टफ टास्क हो जाएगा, क्योंकि यार स्क्वाड होगी, कुछ होगा यार, आप उनको नहीं मार पाएंगे। ये काम आपको स्टार्टिंग में ही करना है। व्हीकल से बंदे को बड़े आराम से उड़ा सकते हैं स्टार्टिंग में। आपको अगर बोट दिख गया, यार बोट तो यार कमले होते हैं, बोट को जाके भूम करके उड़ा सकते हो। लास्ट में नहीं आपसे होगा, पहले आपको ये टास्क पूरा करना है। आपको पहले व्हीकल से बोट को उड़ा देना है, फिर आप ट्राई कीजिए थ्रोएबल आइटम से। बोट आपको कहीं दिख रहा है, यार ये घूम रहा है, इधर घूम रहा है, साले को कोई भी फ्लेमेबल ग्रेनेड होता है, ग्रेनेड होता है, मार के उड़ा दो। ठीक है, सेकंड टास्क आपको कंप्लीट करना है। और एक छोटी सी टिप मैं आपको दोस्तों और दे रहा हूं, अगर आपके सामने बोट नहीं आया, समझ लीजिए आपके सामने कोई ऐसा पर्सन खड़ा हुआ है कि जानते हो यार ये बोट नहीं है, ये वार कर रहा है हमारे ऊपर और धड़ाधड़ वार कर रहा है, आपको क्या करना है, आपके पास कोई भी गन है, पहले साले को कर दो नोक, बड़े आराम से नोक कर दो, फिर जाके उसके ऊपर व्हीकल चढ़ा दो। ठीक है, उसको किल हमने वैसे ही करना है। किल आपको उसी आइटम से लेना है जो आपने कंप्लीट करना है। आप चाहे उसके ऊपर बाद में जाके किल करने के लिए व्हीकल चढ़ा दो, चाहे आप किल करने के लिए उसके ऊपर थ्रोएबल कोई चीज चला दो। मीन्स ये है, 2 टास्क कंप्लीट कर लिए हमने थ्रोएबल और इसके साथ। थर्ड टास्क, यार पहले ना आपको थोड़ा पास पास का गेम खेलना है। पास पास का गेम इन द सेंस, पास पास के गेम में जैसे कि आप देखेंगे ये व्हीकल हो गया हमारा, पास से हम उड़ा सकते हैं, थ्रोएबल उड़ा, पास से हमने उड़ा दिया। ठीक है, फिर शॉटगन, शॉटगन का तो यार निशाना दूर जाता ही नहीं है, शॉटगन से भी आपको पहले पहले ही काम निपटाना पड़ेगा। ये आपको मतलब लैंड करते ही अगर आपके हाथ में शॉटगन वगैरह ये SMG मिल जाए, थ्रोएबल मिल जाए, तो आपके मतलब चांदी होगी, और आपका अगर फ्रेंड समझ आ रहा है साथ में तो डबल वाली चांदी होगी। आपको शॉटगन उठानी है, ठीक है, जाके बोट को उड़ा दीजिए, जहां तो किसी भी बंदे को उड़ा दीजिए, आपका थर्ड टास्क कंप्लीट। उसके बाद SMG पकड़िए जी, ठीक है, SMG के साथ बंदों को उड़ा दीजिए। ठीक है, नॉर्मली SMG से यार उड़ जाते हैं बड़े आराम से, यार लोग कहते हैं वेक्टर बेकार है, टोमी बेकार है, मैं कहता हूँ यार वेक्टर तो है ही बड़ी खतरनाक, मेरे को बड़ी सही लगती है वेक्टर क्यों यार ये बोट ले लेके घूमते रहते हैं। अब इसके बाद अब आपको ये ध्यान देना है, आपके 2 रह गए हैं टास्क, ये थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, क्योंकि अब गेम का काफी टाइम आपका वेस्ट हो चुका होगा। ठीक है, आप ये 4 टास्क करने में कम से कम, मैं अगर अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो मे बी 10-15 मिनट में भी आप कर लेंगे, बट
अगर नॉर्मल गेम चल रहा है आपका, आपके सामने बोट आ रहे हैं, ठीक ठाक आ रहे हैं, ज्यादा ये नहीं कि भर भर के बोट आ रहे हैं, और अगर नहीं हो रहा तो आपको ये चार टास्क तो आपने कंप्लीट कर लिए, फिर देन आपको S4 राइफल एक अपने पास रखिए, ठीक है, S4 राइफल अपने पास रखिए, उसमें आप AKM भी रख सकते हैं, AKM भी बहुत सही करना है यार, अगर वो उसको मैं सिंगल फायर पे लगा के शूट करूँ तो बड़ा मजा आता है यार AKM को चलाने में, ठीक है, तो AKM अपने पास रख लीजिए आप, फिर देन स्नाइपर राइफल में अगर आपके पास VSS मिल गई तो वाह भाई वाह, मजे ही आ गए, मतलब स्कोप भी लेने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, VSS मिल जाए, मैं VSS की ना बुराई कर रहा हूँ ना अच्छा ही कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि VSS से आपको ये बेनिफिट हो रहा है कि VSS में आपको पहले से प्री बिल्ड स्कोप मिल गया, अगर आपके सामने कोई पर्सन आ गया तो आप सीधा उसको उड़ा सकते हो, है ना, तो VSS ले लीजिए, ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, ये जो हमारे दोनों टास्क है इसके लिए आपको स्कोप की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज आपको दूर से मारना पड़ेगा, अगर आपके पास भी आ गया बोट तो बोट को उड़ा दीजिए, ठीक है, अगर आपके पास, बिकॉज ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बोट आप नहीं उड़ा पाएंगे कि आप स्टार्टिंग में तो मारते रहेंगे बंदों को, ठीक है, ये चार टास्क को कंप्लीट करते करते आप इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे कि अब आपके सामने सिर्फ स्क्वाड ही आएगी, स्क्वाड आएगी, रियल पर्सन आएंगे, कोई ना कोई मतलब कुछ ऐसे बंदे आने स्टार्ट हो जाएंगे कि यार वो मतलब आपके ऊपर जबरदस्त वाला वार करेंगे, आप ये नहीं सोचेंगे कि यार मेरे पास कोई घटिया सी गन है, ये है वो है वो है, मतलब आपको ये जो चीजें हैं ना चार टास्क पहले कंप्लीट करने हैं बड़े आराम से, जो बोर्ड्स के ऊपर ही आपको करने हैं, अगर आपको रियल पर्सन मिल जाए तो उससे भी यार हो सकता है, बोट्स के ऊपर कर लीजिए ज्यादा बेनिफिट है, ठीक है, फिर आप S4 राइफल से एक बार बंदे को मार दीजिए, आपको स्नाइपर राइफल से एक बंदे को मार देना है, ठीक है, इसके बाद गेम चाहे आप विन करो चाहे आप लूज करो चाहे आपका पार्टनर मर जाए, मैं कहता हूँ यार पार्टनर मर जाए तो मजा ही आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, पार्टनर मर जाए आप मर जाओ, पूरी स्क्वाड हार जाए, कुछ हो जाए, है ना, कुछ भी हो जाए, आपने ये 6 के 6 टास्क पार कर लीजिए, आप वेपन मास्टर में पहुंच जाएंगे, आपके नाम के आगे वेपन मास्टर का टैग लग जाएगा, बस ये इतना सा सिंपल सा ही काम था, और लोग पता नहीं क्या कहते रहते हैं यार वेपन मास्टर कंप्लीट करना बड़ा मुश्किल है, ओ यार तूने वेपन मास्टर कैसे अचीव किया, ये है ये है ये है ये है, तो मैंने बेसिक आपको स्टेप्स बता दी रही है कि क्या क्या करना पड़ेगा आपको वेपन मास्टर अचीव करने के लिए, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज नीचे जाते जाते ना वो लाइक का बटन है उसको ठोक के जाना, चाहे शूट गन से ठोको चाहे SMG से ठोको, और वो घंटे को भी एक गोली मारते जाना, ठीक है, तो ओके बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड जाते जाते दोस्तों कमेंट जरूर करके जाना कि वॉइस ओवर आपको कैसा लगा, बाय बाय।